हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगाएं। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को लगाना, तो आप लोगों को ये नहीं पता है कि फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं कि फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगाते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कैसे करते हैं। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग ज़रूरत जब पड़ती है लगाने की, जब यहाँ पे आप लोग का फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है या आप लोग का फ़ोन में कोई दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे उस टाइम आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का कोई दूसरा नंबर है तो वो आप लोग की जो कॉल है वो आप लोग के ख़राब फ़ोन हो गया है और उसमें कोई दिक्कत आ रही है, स्विच ऑफ हो गया है, तो उसमें जो फ़ोन आ रहा है किसी का, तो उसमें ना आके वो आप लोग के दूसरे नंबर पर आ जाए, ठीक है, और आप लोग की कोई भी कॉल मिस ना हो। तो इसकी वजह से आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग लगाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगाई जाती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि फोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगाते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से सिखा देता हूँ कि फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगाते हैं। मैं आप लोग को कॉल फॉरवर्डिंग लगाने के दो तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए, मैं आप लोग को फटाफट से सिखा देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को कोड के माध्यम से कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करना सिखाता हूँ। कोड के माध्यम से आप लोगों को करना क्या है, अपने फ़ोन में डायलर पैनल को ओपन करना है। तो डायलर पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोड डालना है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डायलर पैनल ओपन करेंगे, *21*, ये कोड आप लोगों को डालना है। इसके जिस नंबर पे आप लोग को कॉल फॉरवर्डिंग लगानी है, यानी कि आप चाहते कि इस फ़ोन में जो कॉल आए वो आप लोग के उस नंबर पे चली जाए, तो वो नंबर आप लोगों को लास्ट में डाल देना है, ठीक है। वो नंबर आप लोग डाल दीजिए और डाल के आप लोग हैच कर दीजिए। चलिए, मैं एक बार नंबर डाल देता हूँ अपना और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, इस तरीके से आप लोगों को नंबर लगाना है, यहाँ पे *21*, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद हैज, इसके बाद यहाँ पे कॉल आप लोगों को कर देना है। और इसके बाद एक आप लोग के एक नंबर फ़ोन में एक सिम है, दो सिम है, जिस सिम पे आप लोगों को कॉल फॉरवर्डिंग लगाना है उस सिम को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमारे फ़ोन में सिर्फ एक सिम कार्ड है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर कॉल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग के सामने मैं कॉल लगा देता हूँ यहाँ पे, और MMI कोड स्टार्टेड, आप लोग के सामने हमारा जो MMI कोड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे दिखा रहा है कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, हमारा जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो लग चुका है। अब गाइस, यहाँ पे इस फ़ोन पे कोई कॉल आएगी तो यहाँ पे मेरे इस फ़ोन में ना जाके वो हमारे उस फ़ोन पे चली जाएगी जो मैंने कॉल फॉरवर्डिंग में नंबर लगाया हुआ है। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग के कोड के माध्यम से कॉल फॉरवर्डिंग नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आप लोग का फ़ोन का जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, कैरियर कॉल सेटिंग यहाँ क्लिक करेंगे, कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को कॉल फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को रीडिंग सेटिंग हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ से तो आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ती है हटाने की, तो यहाँ से आप लोग हटा सकते हो। इसके बाद ये जो है ऑप्शन बंद कर दीजिए, कॉल फॉरवर्डिंग रिमूव हो जाएगी। अभी हमारी जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है, हट चुकी है। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को कॉल फॉरवर्डिंग लगानी है, तो इसी में आप लोगों को आना है कॉल फॉरवर्डिंग में, और कॉल फॉरवर्डिंग आने के बाद यहाँ पे रीडिंग सेटिंग होगी, फिर वेट करेंगे। तो ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा ऑलवेज फॉरवर्ड BNVZ पैन अनरीचेबल, जिस तरीके से फॉरवर्डिंग लगानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा। अब आप लोग यहाँ पे अपना बोन मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस नंबर पे आप लोगों को कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करनी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नंबर और इसके बाद राइट करूँगा, हमारी जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो लग जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे हमारी जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो इस नंबर पे लग चुकी है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग दो तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, और आप लोग कोड के माध्यम से लगा सकते हैं, और आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके कॉल फॉरवर्डिंग को सिलेक्ट करके वहाँ पे भी लगा सकते हो। और यहीं से आप लोग इसको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से आप लोग इसको डायरेक्टली डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को लगाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।